है? आज बोल रहा तू वीडियो में कि नंबर दे दिया, तू क्या बोल, माधुरचोद बोल रहा कि मैंने 6 साल पहले मल्लिका के बारे में बोला, तू अपनी गणित तो करेक्ट कर ले, मैं 4 साल पहले नहीं बोला, ये आर्ग्यूमेंट है तेरे? हैं अब तू जो जो जा जो करना कर, तू रो मेरे नाम से, तूने मेरी फैमिली को बोला, तूने राजस्थान के बारे में बोला, मैं बोल रहा हूँ मैं मनीषा गई बाढ़ में, मनीषा के फ्रेंडम गए बाढ़ में, अभिषा अभिषा सारे साइड में करो, पहले मुझे इससे बात करने दो, और मैं इसके खिलाफ वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया ये बोलेगा कुछ भी बोलेगा, ये बोलेगा, और जब इसका कोई वीडियो देखो, और ये बहन जो इसकी जो ऑडियंस में 100 200 जने जो अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड है, इसी की उम्र के 1.5 साल बढ़ गए, तू 32 32 साल में, मैं बताऊँ ना, मैं तुझे गारंटी दे रहा हूँ भाई, तुम जो सारे सुन रहे हो ना, जब वीर चौधरी 32 साल का हो जाएगा ना, इंटरनेट कनेक्शन छोड़ देगा, अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर देगा, क्योंकि अचीव कर लेगा जितना करना होगा। तू पिछले 7 8 साल से लड़कियों के बारे में गलत बोल रहा है साले, मेरी एक भैंचोद की क्लिप उठा के बोला, भैंचोद तो गाली नहीं होती, अरे मैं तो अभी भी बोल रहा ना, भैंचोद गाली होती है, भैंचोद मीन्स ज्ञानी, समझा? अभी ये अभी ऑनलाइन होगा, फेक आईडी से सुन रहा होगा, लेकिन क्या ना, माल्टा मस्ती पी रहा होगा भैंचोद, सस्ता दारू, तो हिम्मत होगी नहीं, आवाज लड़कर आ रही होगी इसकी साले की, दिक्कत है तुझे तो बोल ना, आ ना बात करना, ये क्या कर रहा है ये? इससे अच्छा वीडियो तो मैं बेंचो जब यूट्यूब पे नहीं था तब बना लेता था साला। तेरा एडिटर अपडेट नहीं हुआ, तेरा माइक अपडेट नहीं हुआ, तू अपनी जिंदगी में अपडेट नहीं हुआ, तू वही बात है, फिद्दी लगता है छोटू नुन्नू वाला छोटू, मादर चुत, कोई क्यों देखेगा ऐसे बंदे को, कोई क्यों देखेगा ना, तेरा ओपिनियन मैटर करता है, मैं तो चूतिया हूँ, तू खुद को पहले चूतिया बोलता फिर आगे की शुरुआत करता, तेरा सेल्फ इस्टीम इतना लोग हैं, तू बोल रहा था कि तूने अपनी जिंदगी मास्टरबेट, नहीं जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है मास्टरबेट करने की, ठीक है, बोला मुठ नहीं मारी, क्या कॉमेडी कर, और तेरे जैसे होते हैं वो बहन चो फोन देख देख के पागल हो जाते हैं, बाल उठ जाते हैं, हेयरलाइन खत्म हो जाती है, बहन चो दे मुट्टी दीवारों पे साले, मैं कभी बिलो द बेल्ट नहीं जाता किसी के साथ, लेकिन इसके इसको तो इसको रखूं मैं घुटनों से नीचे, तेरे जैसे ना भाई, यानी सुन, तेरे जैसे ना गोबर ना डालते मेरे घर में, साइड में रखते हैं बहन, जो घर में ना घुसने देते, बाड़ा होता है ना घर के आगे, फाटक होती है, तेरा जितना अब क्या बोलूं मैं, जो तेरा तो कुछ है ही नहीं यार, क्या ही बोलूं मैं, तेरा तो कुछ है ही नहीं, तू जितना सोच रहा है ना कि मेरा इतना बड़ा बाड़ा घर होगा, इतना बड़ा प्लॉट होगा, उससे ज्यादा जगह पे तो भैंसे खड़ी रहती है साले, के तेरी ये वो, तू जब जद हिम्मत हो ना लादर, जद हिम्मत हो तेरे में, आ जाइए स्पेस में, बात करते हैं लॉजिकल इलॉजिकल कॉमेडी, डार्क कॉमेडी, जैसे डार्क कॉमेडी का मतलब, इस डार्क का मतलब तो तेरा करियर है साले, तू पैसे उधार लेके मेरे दोस्तों के खा गया दारू के चक्कर में, रोता था, अरे मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, सम्राट भाई आपका भी नाम नहीं लूंगा यार भाई, यार यार भाई भाई यार 50,000 रुपये उधार दे दो यार, मैं बंगाल में जाके फंस गया हूँ यार, ऐसा था, डाल दूँ कॉल रिकॉर्डिंग तेरी साले, हाँ हो गया भाई, क्या बोले यार बहन चोदी, क्या बोले, क्यों मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, छोड़ो नहीं भाई, भी एंड एंड भी करते शायद सम्राट भाई, मतलब हाँ रघुवीर वो भाई, तो एंड है ना। करते भाई, डिलीट मत करना, मैं चाहता ना हूँ ना ना इसके खिलाफ वो है ना एक एक पॉइंट उठाए, क्योंकि बाकी ना, उसकी डिलीट जिंदगी में नहीं कभी, करूंगा, हाँ डिलीट उसकी नहीं जिंदगी में, करूंगा, अरे सुनना भाई प्लीज, आउटरो मुझे देने दे, इस आज आज आउटरो मुझे देना है, वो अपनी जिंदगी में कुछ गलत नहीं साबित कर पाएगा मेरी बातों को, वो बोलेगा वीर ने मेरे को स्पेस में ये बोला वो बोला, तूने बोला, तू अपनी बंदी को तलाक दे दे, अपनी लोगों को तलाक दे दे, मैं उससे शादी कर लूंगा, वो बात बोली, उसके बाद में फैमिली टारगेट होनी शुरू हो गई, और यहाँ पे मैं इसलिए यूट्यूब पर, तुम सोच रहे हो बहनचोद की इसका यूट्यूब के चैनल डिलीट हो जाएगा तो इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, नहीं तेरी तेरे नहीं है भोसड़ी के, तेरे जैसे नीचे काम करते हैं मेरे, सच में करते हैं माधुरचोद, आ जाते हैं बहनचोद फैमिली के बारे में बोल, इसकी औकात क्या जो मेरी बंदी के बारे में बोले, इसका है कौन ही है भोसड़ी का, बात ही है ना, बात करना मेरे ऊपर, मैंने बोला तेरी शादी नहीं होगी, नहीं होगी बहनचोद, हुई नहीं है तेरी, है इसकी जिंदगी में फीमेल इंटरेक्शन होगा छिपकली, बहनचोद इसके घर में जो चल रही होगी उसके ज्यादा ही फीमेल इंटरेक्शन नहीं होगा इसके घर में, इसकी माँ डरती होगी बहनचोद, इसकी माँ इसको कुछ बोलती होगी तो ये बोल दे तू इम्प्लांट्स करवा ले, ये वो बंदा है भाई, अपनी माँ को बोल दे तू इम्प्लांट्स करवा ले, जो एक 15 साल की लड़की को बोल सकता है वो अपनी माँ को क्यों नहीं बोल सकता, समझे आप मेरी बात, एक 15 साल की लड़की थी भाई, बच्ची थी, आज उस वो बोल रहा है उसकी बॉडी देख तुझे और मुझे फेंक दे, अच्छा तो मनीषा को तू इसलिए सपोर्ट कर रहा क्योंकि मनीषा कमजोर है शारीरिक रूप से,
बहन तो चूतिया क्या है, तो तेरा दिमाग सच में चुदा हुआ है क्या? इसको इसको है ना ऐसे समझाना पड़ेगा सामने बैठा के, भाई तू अपनी जिंदगी में बहुत गलत कर चुका है, बहुत गलत कर रहा है, 40 साल की उम्र तक तेरे को 100 व्यूज भी नहीं आएंगे, फिर तू रोता रहेगा, तू सेटअप बेच के चल, 2-1.5-2 महीने दारू पी लेगा वही, क्योंकि आ जाता 7-8 हज़ार में तो बिक ही जाएगा इसका पीसी और कैमरा, तो 30-30 रुपए वाला पावा पी लेगा, लेकिन आगे क्या करेगा? क्या अपने, मैं बोल रहा दारू पी रहा है तो बहुत सड़ी की, दारू नहीं पीना चाहिए पब्लिकली, तो नहीं पीना चाहिए, तू क्या उसको प्राउड फील कर रहा है कि तेरे बाप को बोल दे बेचना बंद कर दे? मेरा बाप को तूने देखा दारू बेचते हुए? मैंने इसके बारे में वीडियो में किसकी फैमिली के बारे में बोला ही नहीं, और ये सीधा फैमिली के बारे में बोला। अब मैं बताता ना, अगर जाना ही होगा ना ऐसे चूते के खिलाफ, तो मैं कुछ भी बोलूंगा ना, कोई आएगा ना कवर अप करने, बड़ा सा बड़ा यूट्यूबर, बड़ा सा बड़ा न्यूज चैनल, आ जाना भाई, खुल के बोल रहा हूँ उसके खिलाफ मैं, तो आ जाना उसको कवर करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसके पक्ष में बोलने के लिए आ जाना, ओपन धमकी है भाई कि आ जाना, फिर मैं ना तुम्हारी राम कहानी निकाल दूंगा सबकी, जो जहां से शुरुआत करते टाइम तुमने के करा था, किन किन छोरियों को गालियां दी थी, किन किन छोरियों को रेप थ्रेट्स दिए थे, 10-10 जने मिलके छोरियों पे वीडियो बना रहे थे। इस चूतिए का लॉजिक होता है कि मैं पूरी दुनिया से अलग हूं तो मैं सही हूं, नहीं, अगर तू भोसड़ी के तू पीछे जा रहा है, पूरी दुनिया जा रही है आगे। अगर कोई बोलेगा ना कि भाई आगे रेलवे फाटक है तुझे रुक जाना, नहीं मैं तो फाटक के बीच में खड़ा रहूंगा, यो बंदा है, और इसी चक्कर में करियर चोद के बैठा है, अपनी जिंदगी चोद के बैठा है। उधार दोस्त, मेरे दोस्तों, मैं प्राउडली बोल रहा, ये लोंडा ज्ञानी मेरे दोस्तों से पैसे उधार लिया, उनके अभी तक वापस नहीं लौटाया, ये बंदा है, ठीक है। अब जा बोल दे कि अपने मेरे जो दोस्त हैं उनको बोल दे तू कि भाई तुमने ये वाली बात क्यों बताई, कि वीर को क्यों बताई कि मैंने तुमसे उधार पैसे लिए, वो तो बता देते हैं भाई तेरे बारे में, तो हर किसी के बारे में बताते हैं, दोस्त आपस में ऐसी बात करते हैं कि यार इसने मेरे से पैसे उधार ले रखे हैं, इसने मेरे नहीं दिए, साले तू 20-30 हज़ार रुपये उधार लेके लोगों को वापस नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा भाई? यार मेरे पास यार नहीं, यार आप समझो यार भाई, यार समझो यार, और जो तू सोच रहा होगा कि मेरी फैमिली को बोल के, मेरी बंदी को बोल के, मेरे बाप को बोल के ब्रुटल बन गया, मैं तेरे जैसों को ना ऑन फेस स्पेस में, चाहे तू आ जाना यूट्यूब पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे तो मत आइए, तेरे को ईआर मिल जाएगा, ईआर मतलब एंगेजमेंट, ठीक है, रीच मिल जाएगी, ईआर का तो मतलब क्या बताओगा तुझे, तू आ ट्विटर स्पेस में, सारे लोग सुनेंगे, जो चूतिया होगा उसको लोग चूतिया ही बोल देंगे, जैसे कल भाईजान को बोल दिया था लोंडो ने, है ना? अच्छा फिर भाई, अच्छा हाँ, भाई भाईयों बंद करते हैं, बाकी किसी को कोई दिक्कत हो ना बता देना भाई, ठीक है यार, मैं इतना बोल रहा हूँ यार, किसी को खाली मैंने ज्ञानी के लिए बोला है, बाकी किसी भी लड़की के लिए नहीं बोला, ना मैंने ज्ञानी की फैमिली को बोला, मैंने ज्ञानी गांडू के लिए बोला है, क्योंकि उसने ये बात बोली, कैसे बोली कि तू अपनी बंदी है उसको दे दे, ये कर दे, वो कर दे, ठीक है, और वीडियो में बोल रहा धमकी, तू बहुत बड़ा गैंगस्टर है क्या कि तू एड्रेस दे दूंगा जो उखाड़ दे उखाड़ दे? भाई मैंने कब बोला मैं एड्रेस दे दूंगा? मैं तेरा उखाड़ दूंगा बहनचोद, सुना दिए भाई उसको सारी, वो सारी सुन रहा होगा फेक आईडी से, बस यार गुस्सा आ गया बहनचोद। अच्छा ठीक है भाई, मैं ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, राम राम।